नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित। जो भी किसान भाई देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और सेड के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि यार हम सेड में कितना खर्च करें, कैसे बनाएं, या हम अगर है ना बहुत ही कम कीमत में सेड को कैसे तैयार करें और वो मजबूत भी रहे, तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर होने वाला है। हमारे एक किसान दोस्त ने सलाह भी मांगी थी हमसे कि सर हम कैसे इस सेड को है जो डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। ये आराम से इसमें 200 मुर्गियों का पालन जो है वो किया जा सकता है। ये हमारे फार्म पर ही सेड जो है हमने बनाया हुआ है, और ख़ास करके जो देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं, जैसे कि है ना जो देसी मुर्गी की वैरायटियां होती हैं और नॉर्मली छोटे से फार्म से शुरू करना चाहते हैं, छोटे से स्केल से शुरू करना चाहते हैं, 50-100 मुर्गी से पालन शुरू करना चाहते हैं, तो ये जो सेड है उनके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होने वाला है। हाल ही में बहुत सारे सवाल भी मेरे से पूछे गए, लगातार दोस्तों की कमेंट भी आ रही थी। एक दोस्त ने मेरे से पूछा भी कि सर मैं ढावे में जो है अपना सेड छत में बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं वहां पर मुर्गी पालन कर सकता हूं? तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल। अगर आप बैकयार्ड फार्मिंग कहा जाए तो घर के पीछे या घर के आंगन में, या आप अपने छत की है ना ऊपर भी कुछ इस तरीके से सेड जो है वो तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही कम कीमत पर ये जो सेड है वो आपको मिल जाएगा, बन जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हरीश यादव चैनल पर एकदम नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कभी पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित वीडियो ले आऊँ आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही देखने मिल रहा है, ये जो सेड है ये दो है ना तल में बनाया गया है, दो मंजिल में बनाया गया है, जिसमें आप आराम से 100 मुर्गियों को नीचे और आराम से 100 मुर्गियों के ऊपर जो है वो रख सकते हैं। इसमें ड्रिंकिंग इनके ड्रिंकर और फीडर की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें आप समय समय पर क्या कर सकते हैं, दाना भी दे सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि मजबूती से है ना ईंटों से बनाया गया है, और चार आपको देखने मिल रहे होंगे, दो पार्टीशन दिए गए हैं, चार गेट लगाए गए हैं, जिससे आराम से हम मुर्गियों को अंदर कर सकें और बाहर निकाल सकें। ये उन किसान दोस्तों के लिए ऐसा सेट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है जो देसी मुर्गी का पालन जो है वो फ्री रेंज में करना चाहते हैं। फ्री रेंज का मतलब समझ रहे हैं कि आप उन्हें बाहर चरने के लिए छोड़ें, नेचुरल फीड दें, और कुछ समय के बाद है ना जैसे कि आप दिन भर बाहर टहलने के लिए छोड़ दें, और शाम को या रात को जो रुकने की जगह है वो इस तरीके का सेड आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप छत को भी अगर आप क्या कर सकते हैं कवर्ड करके रखें, और अगर आप उसमें भी अगर ऐसा सेड बना के रख सकते हैं, तो आराम से 200 मुर्गियों का पालन किया जा सकता है, 200 बड़े मुर्गियों का पालन किया जा सकता है। इसमें चूजे जो की जो संख्या है वो आप आराम से 500 तक भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें पूरा इफ़ेक्टिव तरीके से रखा गया है, इसमें लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है ना, टाइम टाइम से आप इन्हें फीड दे सकें, ताकि इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, ड्रिंकर रखे गए हैं, फीडर रख सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से इसकी जो लंबाई चौड़ाई है मैं ये बता देता हूँ, और कॉस्ट कितनी आई है इसको बनाने में वो बता देता हूँ। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है ये 12 फिट की है, और 6 फिट जो है उसकी चौड़ाई है ना, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई भी 6 फिट की है। तो दोस्तों, इतनी स्पेस में आराम से आप क्या कर सकते हैं, 200 मुर्गियों का पालन बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके के सीड को जो है आप अपने घर में आराम से घर के पीछे है ना घर के आंगन में आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग छत में भी अगर शुरू करना चाहें तो वहाँ पर भी ऐसे सेड को बना सकते हैं। इसकी जो कीमत आई है वो अगर हम सब कुछ मिलाकर निकालें तो 8 से 10 हज़ार रुपये की कीमत आई है, और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है, पूर्णतः सुरक्षित है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।